नमस्कार, मैं गौरी, आप सभी का स्वागत करती हूँ। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। यूपी में ही नहीं, पूरे देश में बेरोजगारी चरम पर है और उसमें कोई शक नहीं है। आए दिन पेपर लीक और परीक्षा धांधली की खबरें आती हैं। ऐसे में यूपी के युवाओं के लिए एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। यूपी में रोजगारी का दंश झेल रहे लोगों के लिए खुशखबरी है। एक बार फिर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने फैमिली कार्ड को लेकर अधिकारियों के पेच कसना शुरू कर दिया है। सूत्रों का दावा है कि फैमिली कार्ड का मतलब परिवार की पहचान के साथ बेरोजगारी की दर को जानना भी है, क्योंकि चुनावी घोषणा पत्र में साफ कहा गया था कि फैमिली कार्ड के माध्यम से बेरोजगारों का डाटा बैंक बनाया जाएगा। उसके बाद हर घर से एक व्यक्ति को रोजगार देने की बात कही गई थी, जिसके लिए अब कवायद शुरू कर दी गई है। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैमिली कार्ड को लेकर समीक्षा बैठक भी की थी। आपको बता दें कि फैमिली कार्ड के पीछे सरकार का उद्देश्य राज्य की आर्थिक स्थिति को और मजबूत करना बताया जा रहा है। सरकार मिशन रोजगार के तहत अलग अलग योजनाओं और रिक्त पदों पर भर्ती करेगी, मगर ये होगा कैसे वो आपको बता देते हैं। परिवार कार्ड को आधार से लिंक किया जाएगा। सरकार के पास सटीक जानकारी होगी कि किन परिवारों में एक भी व्यक्ति रोजगार से नहीं जुड़ा हुआ है। इस आधार पर सरकार अपनी विभिन्न रोजगार योजना से जोड़कर रोजगार उपलब्ध कराएगी। जब तक हर परिवार का फैमिली कार्ड नहीं बन जाता, तब तक राशन कार्ड को भी बेरोजगारी का आधार माना जाएगा। जिस परिवार में पहले से कोई सरकारी अथवा गैर सरकारी नौकरी पर है, उन्हें स्कीम से बाहर रखा जाएगा। आपको बता दें कि चुनाव से पहले ही घोषणा पत्र में भाजपा ने यह दावा किया था कि वो हर हाथ को काम देने पर विश्वास करते हैं, और इसलिए सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में फैमिली कार्ड की बात कही गई थी। लेकिन कुछ दिन बाद मिशन रोजगार धीमा पड़ गया। एक बार फिर फैमिली कार्ड बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकार अब हर हाथ को काम देने के लिए गंभीर नजर आ रही है। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।